रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो शायद मैं आपसे बस एंड में एंटी एजिंग सर्जरी के बारे में पूछना चाहूंगा जैसे कि हमने वो टमी टक के बारे में बात किया आई एम श्योर कि कुछ फेशियल टक भी होता रहेगा जहाँ yes. बेसिकली पीछे से खींच रहे हो स्किन को उसी वजह से एंटी yes. एजिंग इफेक्ट भी आ रहे हैं yes. क्योंकि एज के साथ आपकी स्किन लूज बन जाती है

तो ये स्किन को ड्रेप किया जाता है ये यू रीड्रेप इट तो अगेन इसके इंसिजेंस जो है वो टिपिकली हिडन एरियाज़ में इंसिजेंस लिए जाते हैं इधर कान के पीछे एंड आगे की तरफ एंड देन स्किन को खींचा जाता है या अंदर के जो मसल्स या लिगामेंट्स हैं उनको टाइटन किया जाता है ताकि ये यू गो बैक इन टाइम कुछ साल एंड देन इन एडिशन अ बिग थिंग नाउ जैसे कि इज़ फैट ट्रांसफ़र एक्चुअली फैट ट्रांसफ़र का मतलब है कि सी इवेंचुअली एजिंग क्यों होता है क्योंकि आप में फेस का वॉल्यूम आप लूज़ कर रहे हो जी तो जो वॉल्यूम आपने लूज किया है अगर आप वो वॉल्यूम को रिप्लेनिश करो या एड ऑन करो तो देन इट विल रिवर्स द एजिंग टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तो उसमें क्या किया जाता है कि यू टेक फैट आप जहाँ पे भी फ़ैट एक्सेस है टमी में फैट एक्सेस है थाइज में फ़ैट एक्सेस है वहाँ से आप कुछ फैट को निकाल के आप उसको प्रोसेस करते हैं थोड़ा सा एंड देन उस फैट को आप इंजेक्ट करते हो इन द एरियाज विच आर डेफिशियट तो वो फुलनेस जो है वो दोबारा आ सकता है जो हॉलो एरियाज बन गए हैं वो दोबारा ये हो सकते हैं एंड द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस फैट इज इज द स्टेम सेल्स विद इट जैसे बॉडी में स्टेम सेल्स होते हैं हर जगह जी 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 तो द एडिपो स्टेम सेल्स यानी फैट्स के अराउंड जो स्टेम सेल्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर दिस एंटी एजिंग जो लोग स्टेम सेल्स के बारे में नहीं जानते बेसिकली आपकी बॉडी के मैजिक सेल्स होते हैं yes. कहते हैं कि स्टेम सेल्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बॉडी के ऑलमोस्ट कोई भी सेल में बदल सकते खुद को ख़ुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं करेक्ट तो सर कह रहे हैं कि फ़ैट के आसपास पेट के फैट के आसपास मेरे ख्याल से थोड़े से स्टेम सेल्स होते हैं yes. तो अगर वहाँ की चर्बी निकाल के फेस में घुसेड़ दी तो स्टेम सेल्स भी घुस जाते हैं तो वो स्टेम सेल्स की वजह से जो स्किन में ग्लो या रिजुबिनेशन का जो इफेक्ट है या टाइटनिंग का जो इफेक्ट है दैट इज़ एनहांस्ड जी 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 तो बिसाइड्स द मैकेनिकल पुल या टाइटनिंग ऑफ द मसल्स और स्किन ये फैट इंजेक्ट करने की वजह से जो फुलनेस आता है या वॉल्यूम एनहांसमेंट होता है या फैट के अराउंड जो स्टेमसल्स होते हैं उनकी वजह से जो स्किन में रिजुबिनेशन होता है दैट इज़ uh, उससे आउटकम्स आर इवन बेटर क्योंकि हमने बहुत सारे बोल्डिंग और एंटी uh, बोल्डिंग पर वीडियोज़ बनाए हैं उस रिसर्च में मुझे पता चला कि होते हैं कुछ कुछ सोल्यूशन विच आर नॉन इन्वेजिव पर मोस्टली हर किसी के लिए एंड में ये हेयर ट्रांसप्लांट बेस्ड प्लास्टिक सर्जरी काम करती है तो हेयर ट्रांसप्लांट एक, एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है जी बॉल्डिंग uh, को ट्रीट करने का जो मेडिकेशंस है वो सिर्फ सिचुएशन को बेटर करते हैं ताकि स्कैल्प की क्वालिटी इम्प्रूव हो या स्कैल्प की सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जी एंड ट्रांसप्लांट करने के बाद आप जो फॉलिकल्स है जैसे आप सर के पीछे से कुछ फॉलिकल्स को निकाल के आप सामने की तरफ इम्प्लांट करते हैं जी 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 तो दीज फॉलिकल्स एक्चुअली आर रेजिस्टेंट टू फॉल एक एक मिनट बेसिकली एक बाल का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे वो पेड़ की तरह होता है तो पेड़ में जैसे रूट्स होते हैं वो रूट्स आपके बाल के फॉलिकल्स हैं जहाँ से मान लो वो बाल के एक स्टैंड का दिल होता है वो फॉलिकल तो बेसिकली आप यहाँ से सर के साइड से फॉलिकल्स हल्के से निकाल के यहाँ सामने डाल रहा हो जहाँ बॉल्डिंग होती है yes. बंदों की या पीछे अगर वो पीछे का बॉल पैच हो गया और ये भी सारे बॉलीवुड स्टार्स करते हैं बहुत सारे क्रिकेटर्स करते हैं yes. बहुत कॉमन सर्जरी है बहुत सारे बंदे मेरे भाई बहुत सारों को बॉल्डिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है मुझे पता नहीं क्यों क्योंकि आपको विंड डीजल और रॉक का एग्जाम्पल देखना चाहिए एक्चुअली कॉन्फिडेंस की बात है पर अगर फिर भी आपको बॉल्डिंग को फिक्स करनी है फिर से एक दो लाख का खर्चा होगा yes. हल्के से ज्यादा yes. एरिया कितना है कितने फॉलिकल्स की रिक्वयरमेंट है इट इज बेसिकली हर बाल को निकालना इज अ प्राइजी नहीं देता देते हैं

बोल्डिंग अ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही एक बायोलॉजिकल सोल्यूशन है ये yes. मेरे भी रिसर्च में यही निकला है कि और कोई बायोलॉजिकल इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड द मोस्ट रिलायबल प्रोसीजर इन एडिशन कुछ लेजर ट्रीटमेंट्स भी है अभी रिसेंटली वे जस्ट एक नए टाइप का लेजर है जी जो कि हम यूज कर रहे हैं जो विच स्टिमुलेट्स द द हेयर हेयर लॉस में क्या होता है कि अल्टीमेटली कुछ फॉलिकल्स गिर जाते हैं या कुछ फॉलिकल्स आर रेस्टिंग फेज में है तो हेयर की एक साइकिल होती है रेस्टिंग फेज यस हेयर की एक साइकिल होती है तो हेयर आर इन द ग्रोइंग फेज और कुछ फॉलिकल जो है वो डोरमेंट है या दे आर नॉट ग्रोइंग तो एक एक नए तरीके का लेजर है जिससे उस उन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया जाता है टू स्टार्ट ग्रोइंग मतलब यहाँ देयर इन द बॉल्ड पैच ओके ओके बट वो रेस्टिंग फेज में है ओके okay. तो वो ग्रोथ साइकिल में आने के लिए स्टिमुलेट होते हैं बट जो माइल्ड uh, या मॉडरेट टाइप की बॉल्डिंग है उसमें उसका थोड़ा बहुत असर होता है बट नॉट एज ग्रेट एज सर्जरी सर्जरी इज द बेस्ट सोल्यूशन इस पूरे एपिसोड की बॉटम लाइन यही है एक दो लाख का खर्चा होगा <laughs> <laughs> दो हफ्ते की रिकवरी होगी <laughs> किसी भी बॉडी पार्ट को लेकर कोई इनसिक्योरिटी अगर आपकी है एक दो लाख का खर्चा है दो तीन हफ्ते का रिकवरी टाइम है साइंस यहाँ तक पहुँच चुका है आपको प्लास्टिक सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है पर अगर आपकी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो टारगेट करो कि एक दिन आपके भी एक दो लाख होंगे एज इनकम और दो हफ्ते होंगे आपके पास फ्री टाइम के शायद तीन हफ्ते इसलिए आज मेहनत करो पैसे कमाओ <laughs> बस ये कहना चाहूँगा एनी लास्ट साइनिंग ऑफ नोट फ्रॉम यू डॉक्टर साहब ये कॉस्मेटिक स्पेशल में कॉस्मेटिक में देखिए करने के लिए बहुत कुछ है ज़रूरत सभी को किसी ना किसी चीज़ की है हर एक को अपनी सिचुएशन के हिसाब से उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है बट यस इफ़ दैर इज़ अ प्रॉब्लम जो कि आपको सीरियसली या जेन्यूनली अफेक्ट कर रहा है तो डू सीक आउट सोल्यूशंस फॉर इट या एटलीस्ट आप एसेस करके देखो एंड देन चूज़ वाइजली कि सबका एक्सपीरियंसेस जानने की कोशिश करो चूज द राइट प्लेस चूज़ द राइट डॉक्टर इन्श्योर द प्रॉपर क्रीडेंशियल्स एंड देन गोड फॉर ये बताइए एक्चुअली राइट डॉक्टर चूज कैसे करते हैं एक्सपीरियंस और रेपूटेशन ट्रेनिंग के हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से आउटकम्स के हिसाब से या आपको उस जगह जाने के बाद या मिलने के बाद बात करने के बाद भी कई सारी चीज़ें पता चलती है तो यू ट्राई टू एसेस क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी uh, एक थोड़ा सा ग्लैमर रिलेटेड है या कई लोगों का इम्प्रेशन है कि देर इज ईजी मनी इन इट तो देर आर मैनी प्लेसेस जहाँ पे प्रॉपर केयर मे नॉट बी गिवन या आ, पे, 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 पेशेंट्स मे नॉट बी सेफ एग्जैक्टली तो इसीलिए सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है एक और बॉटम लाइन मैं यहाँ डालना चाहूँगा ये टैटूज़ के लिए भी सच है और प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी सच है जहाँ भी आप थोड़ी सी बॉडी मॉडिफिकेशन करो डर्मेटोलॉजी में भी वहाँ पैसे बचाने की कोशिश मत करो पैसे बचाते बचाते ना आपकी पूरी बॉडी खराब हो सकती है आई पर्सनली फील कि बहुत सारे डॉक्टर्स से मिलकर जो आपके दिल को सही लगे वो करना चाहिए बट एट द सेम टाइम पैसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ये मैंने डॉक्टर रश्मि शेट्टी से, से सीखा कुछ कुछ मेडिकल इमरजेंसीज में आ, आपको ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश करनी चाहिए बिकॉज ये इसी प्रोसेस में इन ऑर्डर टू सेव मनी ना बहुत सारे लोगों का चेहरा खराब हो चुका है बॉडी खराब हो चुकी है बस ये ध्यान में रखना मैंने कुछ गलत कहा सर नहीं बिल्कुल सही यू अग्री यस इसी लाइन को लेकर एज अ डॉक्टर आप एक्सपैंड करना चाहोगे कोई थाट को अल्टीमेटली आप आप जो भी कर रहे हो वो अपनी बॉडी पे कर रहे हो एंड आपको ऐसे सोल्यूशन चाहिए जो कि सेफ है ड्यूरेबल है और लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन करेंगे तो यस थिंक वाइज एंड चूज़ वाइज़ भारत में आपने किसी की बुरी सर्जरी को देखकर किसी का काम करेक्ट किया है कई बार ऐसे करेक्टिव सर्जरीज़ के लिए या सेकेंडरी सर्जरीज के लिए पेशेंट्स आते हैं कि पहली बार नाक खराब हो गया यस यस क्योंकि दे वेंट टू अ फॉर मल्टीपल रीजंस नॉट नॉट कई बार रीज़न ये भी होता है कि देर आर टेक्निकल प्रॉब्लम्स या कई बार जेन्यूनली कोई भी सर्जरी इज़ नेवर फुल प्रूफ उसमें जेनुनली कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं जी हाँ तो वो एक वन ऑफ केस भी होता है कि जहाँ पे जेन्यूनली आफ्टर एवरी राइट एफर्ट भी कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है या कोई फेलियर हुआ है बट मैनी टाइम्स बाकी फैक्टर्स की वजह से भी होता है कि बिकॉज ऑफ कॉस्ट इशूज़ या बिकॉज ऑफ कॉम्प्रोमाइज केयर या बिकॉज ऑफ अनसेफ़ प्रैक्टिस वो सर्जरी गलत जगह पर गलत हाथों हुई है एंड देन उसको फिर सुधारने के लिए यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट एंड यू मे नॉट बी रियली एबल टू अंडू द रॉन्ग जी तो फर्स्ट चांस इज ऑलवेज द बेस्ट चांस एक hmm. क्लीन एक, uh, या अनस्कार्ड uh, टिश्यूज़ को हैंडल करना या उनको मोल्ड करना इज ऑलवेज ईजियर एंड दैट इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू डू इट अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हज़ार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ